ओह मेरे शेर। वाह मेरा स्कूल बहुत प्यारा है। बालम भैया है ना ताहिर भाई? बिल्कुल, तुम्हारे कहने के बाद किसी और स्कूल ले जा सकता था तुम्हें। अम्मी देखे ये मेरा स्कूल है। कैसी हो बाराक? ठीक हूँ शुक्रिया, हवा लेना चाहती थी इसलिए आ गई। अच्छा किया बहन, वैसे भी सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो। और तुम लोग कैसे हो लड़को? हम ठीक हैं, हमने बस रास्ते में नफीस भाभी की थोड़ी बहुत बातें सुन ली हैं। आपने नफीस को क्यों नहीं बताया? मुझे ज़रा उसको बताने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? ताहिर भाई ने नफीस से पूछे बिना स्कूल की फीस दे दी है और अब इनको डर लग रहा है। वाह लड़को, तुम्हारी तो मुराद पूरी हो गई। तुम लोग यहाँ इंतज़ार करो, मैं ये हल करके आता हूँ। नफीस के गज़ब से अगर बच गए तो फिर हम लोग खाने पर चलेंगे। फातिह, गाड़ी की चाबी मुझे दो। खैरियत है? ज़रूरी काम मुझे। चलो शाबाश। ताहिर, ये तो प्राइवेट स्कूल लग रहा है। वाकई? मासूम मत बनो। अच्छा जब हीत ने कहा कि बालिम के स्कूल जाना है तो मैं यहाँ की फीस नहीं दे सकती, किसी और स्कूल चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं इस स्कूल की फीस जमा करवा चुका। अच्छा शायद? नहीं मुझे नहीं लगता। क्या लगेगा मुझे, बस मैंने जमा करा दी। चलो ताहिर, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों? वो क्योंकि बस नहीं। वजह? क्योंकि बस नहीं ना। बताओ मुझे। ताहिर मैं तुम पर किसी किस्म का बोझ नहीं बनना चाहती। नहीं तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रही। देखो ताहिर, मैं अपने बच्चे के लिए खुद कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। ठीक है? ये ठीक नहीं। क्या मतलब है नहीं ठीक? कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, गीत को करवाया है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम खड़ी हो अपने पाँव पे। और वैसे भी ये गीत और मेरा मामला है, तुम इतना परेशान ना हो। आ रहे हैं बेटा, तुम्हारी अम्मी ने फिर से फजूल बातें शुरू कर दी। ताहिर ये क्या कह रहे हो? वैसे भी जो मुस्तफा भाई ने पैसे दिए थे वो कहीं रह गए हैं। अब मुझे ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो, बोलो। नफीस बस भी कर दो अपनी फजूल बातें। चलो गीत मेरे साथ चलो, आओ। ताहिर, ताहिर भाई आसानी से बच गए। कोई मसला है क्या फातिह? तुम और नफीस बहुत डिफरेंट हो। क्या मतलब है? क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास पहली बार आई थी, तुम बहुत जल्दी चेंज हो गई। सबको अपनी अपनी अजियत का पता है फातिह। सही कह रही हो, माफ करना। तुम भाई की वजह से हमारे साथ होना ताकि पुलिस से बात ना करनी पड़े। अच्छा तो फिर बच्चे के वारिस के तौर पे किसका नाम लिखा जाएगा? मेरा। अपना आईडी कार्ड दीजिए। इसका मतलब बताएं? मम्मी और बाबा को जो लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं उनको वारिस कहते हैं। वालिद के खाने में वीद विदात लिखूं? नहीं। ताहिर भाई का आप मेरे वारिस बनेंगे? क्यों नहीं मेरे शेर। हाँ बिल्कुल। चलें फिर, अपना आईडी कार्ड दे दीजिए, आपका नाम ही लिख लेते हैं।